मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र की ओर और आज का जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है एकदम मज़ेदार। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली अपने चाचा और के यहाँ। तो अभी मैं हूँ घर पे और अपना बैग वगैरह भी रेडी है, तो थोड़ी देर बाद मैं निकलता हूँ घर से। अब जस्ट निकलने वाला हूँ और अभी मैं यहाँ से बस वगैरह से जाऊँगा, जैसे भी होगा देखा जाएगा। और अभी अपना बैग वगैरह भी रेडी हो चुका है और बाकी आप बने रहे ब्लॉग के शायद एंड तक, आपको आगे का सारा सिनेमेटिक वगैरह दिखाता रहूँगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। निकल चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ घर से अभी और चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। भाई अभी मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ और अभी थोड़ा सा यहाँ से पैदल चलना है मेरे को और वहाँ से मैं बस वगैरह लूँगा। और तो चलो चलते रहें, बाकी आप सिनेमैटिक देख सकते हो पीछे का। तो मिलते हैं आप। तो फाइनली भाई अभी मैं यहाँ पे स्टैंड में खड़ा हूँ और अभी बस आने वाली है। तो जैसे ही बस आती है और आपको दिखाता हूँ, और बस आ गई सीधा, अब मैं बैठता हूँ बस में और मिलते हैं आपको सीधा आगे। मैंने यहाँ से बस ले ली है और अब निकलते हैं सीधा रिस्पना पुल तक। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। बाकी आप पहुँच चुका है रिस्पना पुल पे, ये देख सकते हो रिस्पना पुल पे, और यहाँ से भी अब आगे चलना है मेरे को। चलो चलते हैं और मिलते हैं सीधा। फाइनली भाई अभी ये है फ्लाई ओवर का, यहाँ से अभी हमें जाना है आइस बिल्डिंग और आइस बिल्डिंग बस वगैरह ले लिए। चलते हैं बाकी आप आइस बीटी पहुँच चुका हूँ और आइस बीटी अभी उतरता हूँ मैं, और यहाँ से भी मेरे को बस लेनी है। अभी किराया वगैरह देते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। भाई अभी मैं आइस बीटी पहुँच चुका हूँ, अभी मैं जस्ट ऑटो से उतरा और अपन अभी यहाँ से निकलेगा आगे, मतलब मेरे को जाना है वहाँ पर आइस बीटी और वहाँ से मैं बस लूँगा दिल्ली की। तो चलो चलते हैं और बाकी आप देख सकते हो देहरादून का आइस बीटी का नज़ारा और ये सामने आगे का देख सकते हो। चलो चलते हैं और मिलते हैं। अपन ने यहाँ से अंदर जाना है, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय देहरादून का जो बस अड्डा है ये है, और यहाँ से जाना मेरे को अंदर और यहाँ से बस लेनी मेरे को। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। यहाँ से बस वगैरह लूँगा और देखते हैं बस मिलती है, कौन सी वाली मिलती है, और उसके बाद मेरे को जहाँ तक भी जाना हो, आई एस बी टी हो या मोहन नगर, आई थिंक मेरे को मोहन नगर तक जाना पड़ेगा। वहाँ से मेरे को भाई आएगा पिकअप करेगा वहाँ से। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। ये देख सकते हो बाकी ये आगे का नज़ारा आइस बी टी का। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पे बस वगैरह लगी है, तो यहाँ से बस वगैरह लेते हैं और मिलते हैं सीधा आपको आगे। मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ आइस बी टी के अंदर। ये यहाँ पे बस वगैरह लगती है, ये स्टैंड देख सकते हो, और देखना पड़ेगा यहाँ से दिल्ली के लिए कौन सी बस जा रही है। तो यहाँ पे आई थिंक इधर आवाज़ मार रहे हैं, तो इधर चलते हैं अभी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं और बनते हैं सीधा आगे। ताऊ जी से पूछते हैं, ताऊ जी कहाँ तक जाएगी बस? दिल्ली कश्मीरी गेट। कौन सी वाली? ये वाली। कितने बजे टाइमिंग क्या रहेगा? 5 मिनट बाद निकल जाऊँगा यहाँ से। तो 5 मिनट बाद निकलने वाले हैं, तो फाइनली इसी में निकलते हैं अभी, देखते हैं। टिकट ले जाओ। कितना टिकट होगा यहाँ? 420 टिकट है। फाइनली अभी टिकट वगैरह लेते हैं और आपको मिलते हैं सीधा आगे। तो देता हूँ आपको आइस बी टी का, देहरादून का आइस बी टी। ये देख सकते हो यहाँ पे आइस बी टी, और यहाँ पे अंदर ये एंटर सामान वगैरह खाने पीने का जो भी स्टोरेज वगैरह होता है, दुकानें वगैरह थोड़ा दिखाता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। ये देख सकते हो आप। तो अभी अपन थोड़ा सा देखता है, कुछ अगर लेना वगैरह होगा तो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ अभी आगे की साइड चल रहा हूँ, आगे की साइड दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो पीछे का तो बैकग्राउंड में। चलो चलते हैं, बाकी ये पीछे भी देख सकते हो आप, और ये बाकी आगे ये है, इस साइड का देख सकते हो आप, ये पीछे का। तो चलो अभी चलते हैं और बस में बैठते हैं और मिलते हैं। Thank you.
बस में बैठते हैं और थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, पानी वगैरह की बोतल लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से कहाँ से लिया जाए, पानी वगैरह लेते हैं यहाँ से। और आप थोड़ा सा देखते हैं, एक ओवर व्यू देखते हैं, यहीं से ले लेते हैं। भाई जी एक पानी की बोतल देखो कितने की, एक तो यहाँ से पानी वगैरह की बोतल लेते हैं, ये देख सकते हो। कुछ ले रही है, चलो ठीक है, ये पानी वगैरह ले लिया, निकलते हैं बस में बैठते हैं। जो आगे से बस में बैठते हैं और चलते हैं अंदर, यही वाली बस, ये वाली। तो फाइनली अभी ये बस ले महानगर ले, ये देख सकते हो आप, यहाँ से जाइए कश्मीरी गेट, बैठते हैं, सीट वगैरह देखते हैं अंदर, कौन सी सीट लेनी होगी, चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से अभी मैं बैठ रहा हूँ अंदर गाड़ी में, सीट वगैरह देखने के लिए, करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे बैठाते हैं। तो ये देख सकते हो बस में, और मिलते हैं आपको सीधा आगे। बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। यहाँ रुड़की में पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा बाहर एक ओवरव्यू देते हैं आप रुड़की का, और ये देख सकते हो आप, ये है रुड़की। और अभी हम रुड़की में पहुँचे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए बस रुकेगी, और बाकी आप देख सकते हो ये नज़ारा पीछे का, ये है पीछे स्टेशन रुड़की का, और बाकी आप देख सकते हो ये पीछे इधर की साइड ही है, ये पीछे रुड़की का नज़ारा। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे 5-1 मिनट रेस्ट करते हैं। फाइनली अभी यहाँ पे गाड़ी ही रुकी हुई है, और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, फ्रेश वगैरह होते हैं। और ये देखिए ये जगह होगी आपकी, ये देख सकते हो अभी गाड़ी वगैरह रुकी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। और ये देख सकते हो आप पीछे का नज़ारा, ये अंकल जी कौन सी जगह है, खतौली। अच्छा खतौली में अभी गाड़ी रुकी है, ये देख सकते हो आप पीछे ये नज़ारा है। और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत खाने पीने का वगैरह के लिए रुकी हुई है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और मिलते हैं आप। ये देखिए भाई अंदर चले गए हम, और यहाँ पे ये सामने देख सकते हो यहाँ पे खाने वगैरह का है, ये देखिए। और ये बाकी आप देख सकते हो पीछे का, और फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे। लोग अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं लंच वगैरह, ये अभी घर से लाया था लंच, तो ये देख सकते हो रोटी और सब्ज़ी, और अभी इसका लेते हैं मज़ा, और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा आगे। Thank you.
उतर चुका हूँ बस से और अभी मैं पहुँचा हूँ ये मोहन नगर में। और अभी ये देखिए आप पीछे का नज़ारा, निकलता हूँ मैं आगे की साइड। यहाँ से मेरे को अभी ऑटो वगैरह देखता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ से, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। बाकी आप ये देख सकते हो आप पीछे का नज़ारा, मोहन नगर पे हैं अभी। और यहाँ से अभी मेरे को जाना है, जैसे भी जाऊँगा भाई वगैरह आएंगे या तो पिकअप करने, और जैसा भी होगा आपको बताएंगे। बाकी आप देख सकते हो पीछे का, और आगे चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा। आज का सफ़र अब थोड़ा सा रह चुका है, यहाँ से थोड़ा सा रह चुका है और अभी मिलते हैं आपको आगे। तो बने रहे आप ब्लॉग के साथ। देख सकते हो मेरे पीछे मोहन नगर में ये है आपका मैक्स हॉस्पिटल और पेंटा रूम, ये देखिए। और मैं अभी ऊपर चढ़ा हूँ और यहाँ से ये आपका जा रहा है उत्तराखंड की तरफ। ये वाला जो रूट है उत्तराखंड देहरादून की तरफ जा रहा है, गढ़वाल देहरादून की तरफ। और ये मेरे जो इस साइड को है, यहाँ से ये वाला रूट जा रहा है आपका आईएसबीटी की साइड, ये वाला। तो अभी बने रहे ब्लॉक के साथ, बाकी आप ये नीचे का। अभी यहाँ से ले रहा हूँ मैं ऑटो आनंद विहार के लिए। चलो चलते हैं आनंद विहार तक और मिलते हैं आपको सीधा आगे। ये देखिए अभी मैं उतर चुका हूँ ऑटो से और अभी मैं निकलता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे की ओर। मॉल कहाँ पे पड़ता है? ईडीएस मॉल की साइड पर। ईडीएम की साइड पर, ठीक है। अभी चलते हैं ईडीएस मॉल की साइड, तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे की साइड। ये देख सकते हो आप अभी आनंद विहार में हूँ मैं, आनंद विहार का नज़ारा। और चलते हैं, बाकी ये पीछे देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। चलो अभी मेरे को जाना है वहाँ, चलो चलते हैं। अभी भाई अभी मैं निकल रहा हूँ ईडीएम मॉल की साइड और यहाँ से अभी देखता हूँ कैसा कैसा होता जाना। अगर यहाँ से बस वगैरह लेनी पड़े तो ठीक है, नहीं तो अगर जो भी होगा अभी दिखाते हैं आपको। तो ये आगे चलते हैं आगे की साइड, ईडीएम मॉल की साइड। और अभी यहाँ पे मैं आनंद विहार में हूँ और यहाँ पे बंटी भाई आ चुके हैं मेरे को लेने, मेरे को पिकअप करने। तो यहाँ पे आ जाऊँगा बंटी भाई के घर। और बंटी भाई कैसे हो? बढ़िया सब, घर में सब ठीक है, फैमिली और कैसा हो रहा है? बढ़िया सब। तो अभी चलते हैं और बंटी भाई से मिल चुके हैं और बंटी भाई के साथ चलेंगे यहाँ से स्कूटी में। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। भाई अभी पहुँच चुके हैं ये मुर्गा मंडी में हम, सब्जी मंडी भाई। हाँ सब्जी मंडी में पहुँच चुके हैं, मंडी आगे है। बंटी भाई बता रहे हैं सब्जी मंडी है, मुर्गा मंडी आगे है। चलो चलते हैं। ये सारी सब्जी मंडी है, ये सारी सब्जी मंडी है यहाँ पे, सब्जी वगैरह। बैक कैमरा भाई उधर। भाई अभी ये पहुंच चुके हैं फेस्ट्री में और अब बस यहाँ से आज यहाँ बाजार लगा हुआ है और ये मार्केट लगा हुआ है आज। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। पहुंच चुका हूँ मैं दिल्ली और ये है ऊपर, जाते हैं अभी चाचियोर के घर। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। चाचियोरा जी चलते हैं। चाची प्रणाम। नमस्ते। और ठीक ठाक। और यहाँ पे मिल चुके हैं चाची और पहुँच चुका हूँ मैं घर पे। और चाची सब बढ़िया घर में? सब बढ़िया ठीक ठाक। मिलते हैं आपको।